हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका जीए एजुकेटर। आज हम लोग आरआरबी प्योर मेंस के लिए एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन देने वाला हूं। ये एक क्विक रिवीजन है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए गए टारगेट्स हैं उसके अलावा जो पॉलिसी रेट्स हो गया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गया, हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही क्विक सेशन होगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग एग्जाम में जाने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आप लोगों का एक से दो सवाल या हो सकता है कि तीन से चार सवाल आप लोगों को यहाँ पर से देखने को मिल जाए, ठीक है? तो इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे जनरली मतलब आप लोग क्या करते हैं कि इसे आप लोग छोड़ देते हैं, ठीक है? जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे दो से तीन नंबर एग्जाम में मतलब आप लोगों को देखने को मिल जाता है, क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है? तो जिससे आप लोगों को दो से तीन नंबर आ सकता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दें। एंड देन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बैंक एग्जाम से रिलेटेड, ओके? और उसके अलावा अगर आप लोगों को इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग जिसे ज्वाइन करें वहां पर मैं अपने सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? और उसके अलावा वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, बैंक एग्जाम्स के प्रैक्टिस के लिए लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न का स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, जिससे आप लोग सारे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। रेपो रेट कितना है? 4%, ओके, 4.0%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। एमएसएफ कितना है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%। बैंक रेट कितना है? 4.25%। सीआरआर कितना है? सीआरआर बोले तो कैश रिजर्व रेशियो 4%। एसएलआर कितना है? एसएलआर बोले तो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%, ओके। अब उसके अलावा ये देख लेते हैं, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखिए आर, देखिए आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा। देखिए रेपो रेट में दो बार आर है, डबल आर है, डबल आर, ठीक है? उसके अलावा सी आर आर में भी डबल आर है, दो बार आर है, ठीक है? तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को में भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग इसे ऐसे याद रखिए, आर आर चार चार, ओके, आर आर चार चार, ये सेम है, इसलिए आर आर चार चार, ओके। आर आर चार चार बोले तो, आर आर चार चार बोले तो देखिए दो बार आर है तो ये चार हो गया, ये भी दो बार आर है तो चार हो गया, मतलब ये कॉमन है, ठीक है? इसलिए ये चार है, बस आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, आप लोगों का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके अलावा ये जो एमएसएफ है, एमएसएफ है एंड बैंक रेट है, ये दोनों सेम है, 4.25%। तो एमएसएफ एंड बैंक रेट 4.25%। आर आर आर, देखिए ट्रिपल आर क्या है, जो ट्रिपल आर है मतलब की रिवर्स रेपो रेट, वो है 3.35%। ये मैंने परसेंट यहाँ पे नहीं लिखा है, बट आप लोग लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को याद करवाने के लिए ऐसे लिया है, ओके। उसके बाद SLR कितना है? 18%। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है, जो RR है मतलब कि जो रेपो रेट है वो है 4 एंड जो कैश रिजर्व रेशियो है वो है 4, ओके, मतलब कि RR 4 4। उसके बाद जो MSF एंड बैंक रेट है वो दोनों सेम है, तो 4.25%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। SLR कितना है? 18%, ओके। अब उसके बाद ये देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग इसे तो कम से कम याद कर लीजिए, प्लीज याद कर लीजिए, आप लोगों को सवाल इसका देखने को मिल सकता है एग्जाम में। जो रियल जीडीपी आरबीआई के द्वारा प्रिडिक्ट किया गया है वो है 9.5%, ओके। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है? 5.30%। उसके अलावा डब्ल्यूपीआई कितना है? होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, ओके, 11.39%। करेंट अकाउंट सरप्लस जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कितना है? 0.09% ऑफ जीडीपी, ओके। और जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है, करंट अकाउंट डिफिसिट है वो कितना है फाइनेंशियल 2020 का? वो है 0.9%, ओके, ऑफ जीडीपी। इसे आप लोग बस इतना याद रखें कि करंट अकाउंट इज इक्वल टू 0.9। करंट अकाउंट बोले तो 0.9, क्यों? क्योंकि 0.9 तो दोनों में सेम है, चाहे वो सरप्लस हो या डिफिसिट हो। तो बस आप लोग इतना याद रखें कि करंट अकाउंट इज इक्वल टू 0.9, ओके। तो प्लीज आप लोग इस डेटा को याद कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके अलावा मैंने जीडीपी का एक सेशन करवा दिया था कल, जीडीपी जो फोरकास्ट किया गया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, मैंने उसका एक सेशन आप लोगों को कल करवा दिया था, 5 से 6 मिनट का वो वीडियो है, आप लोग प्लीज उसे देख लीजिएगा। उसमें सारा का सारा मैंने लेटेस्ट लिया है, सितंबर तक का अपडेटेड डेटा है वो, प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है? उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर अभी तक अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे आप लोगों को मेरा एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का लास्ट 6 मंथ्स का
अप्रैल से लेकर सितंबर तक का उसमें डेटा कवर है, उसमें न्यूज मैंने करवा दिया है, अप्रैल से लेकर 20 सितंबर तक का मैंने उसमें करवा दिया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम मतलब खत्म हो जाएगा। आपका काम खत्म बोलने का मतलब है कि आप लोगों का 20 प्लस का काम वहीं से हो जाएगा, 40 नंबर का जो एग्जाम है 20 प्लस का काम आप लोगों का वहां से हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को इसी चैनल पे एक और वीडियो मिलेगा 200 प्लस 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट बैंकिंग का स्टैटिक का क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाया है, आप लोग उसे कर लीजिए। उसमें मैंने सारा का सारा जनवरी से लेके सितंबर तक का जितना भी करंट बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस बन रहा था वो मैंने मतलब वहां पे करवा दिया है। एंड इवन उसमें जो अपडेटेड कौन से बैंक के कौन एमडी हैं, सीईओ हैं, बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर कहाँ है, पेमेंट बैंक के लिए आप लोगों को कितना चाहिए नेट फंड्स, ट्रांजेक्शन लिमिट वगैरह क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को मैंने उसमें करवा दिया है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम लोग बात करेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, ठीक है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। इसका क्या है, इसका रेट है 4% बोले तो मतलब 4.0%, ओके। और ये एनुअली कंपाउंड होता है। हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है उसका जो 4.0% का रेट है वो उसका कंपाउंडिंग पीरियड क्या है, तो वो एनुअली कंपाउंड होता है, ठीक है। ऐसा भी सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाता है एग्जाम में, आरबीआई ग्रेड बी वगैरह के एग्जाम में आप लोगों को ऐसा ही सवाल देखने को मिलता है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि वन ईयर टाइम डिपॉजिट जो है अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में तो वो है 5.5%, ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है। टू ईयर का जो है वो है 5.5%, ये भी क्वार्टरली होता है। थ्री ईयर का जो है वो है 5.5%, ये भी क्वार्टरली होता है। और फाइव ईयर टाइम का जो है डिपॉजिट वो है 6.7%, ये भी क्वार्टरली होता है, ओके। फाइव ईयर का जो रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है वो है 5.8% रेट है उसका, क्वार्टरली ये होता है कंपाउंड, ओके। वैसे आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये था, ठीक है। आप लोग प्लीज इस पे फोकस कीजिए। उसके अलावा इस पे हम लोग देखते हैं इस पे एंड इस पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ओके। देखिए जो सीनियर सिटीजन का सेविंग्स स्कीम है उसका रेट क्या है, 7.4%, ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है, ओके। उसके अलावा जो मंथली इनकम अकाउंट वो है 6.6%, ये मंथली होता है कंपाउंड, ओके। उसके अलावा जो एनएससी है मतलब कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये 6.8% पे है, 6.8%, ओके, एनुअली होता है ये कंपाउंड। और जो पीपीएफ है जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के नाम से जाना जाता है, ये है 7.1%, ओके, ये एनुअली कंपाउंड होता है। जो केवीपी है, केवीपी किसान विकास पत्र, केवीपी, ये है 6.9%, और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है 124 मंथ्स, ओके, एनुअली ये कंपाउंड होता है। जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है इसका है रेट 7.6%, ये एनुअली होता है। प्लीज आप लोग इस रेट को याद कर लीजिएगा, याद अगर नहीं होता है तो आप लोग कम से कम पोस्ट ऑफिस वाला और किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि वाला प्लीज याद कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए गवर्नमेंट के द्वारा, जो सरकार के द्वारा कुछ टारगेट सेट किया गया है, हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों को एक से दो क्वेश्चन सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखिए 2022 के लिए जो गवर्नमेंट का टारगेट है, देखिए सबसे पहले हाउसिंग फॉर ऑल बाय प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। देखिए प्रधानमंत्री का जो आवास योजना जो ग्रामीण के लिए है, ठीक है, ग्रामीण बोलने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसका जो टारगेट है वो 2022 तक के लिए है, ठीक है, हाउस प्रोवाइड कर देने का, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने सेट किया है टारगेट अचीव करने का 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कब तक, 2022 में जो SHG होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाएगा, उसका गवर्नमेंट का टारगेट कितना है अचीव करना, 75 लाख, ओके। मोटा बोलने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दी 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, मतलब कि जो 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का जो म्यूजियम है इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए, इसे कंप्लीट कर लेना है 2022 में, ठीक है। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इन इंडिया 136 गीगावाट जो है, गीगावाट, ये इसे अचीव करना है 2022 तक। दिस शेयर इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर इंक्रीज ओवर 220 गीगावाट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग ये याद रखें कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है इंडिया का 136 गीगावाट का, इसे कब तक अचीव करना है, 2022 तक, ये टारगेट है सेट किया गवर्नमेंट के द्वारा। NHPC को कमीशन करना है 2000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन सुभानसिरी रिवर, कब तक, मार्च 2022 तक, ओके। 2023 के लिए जो टारगेट है वो है पहला कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर बनाया जाएगा, कब तक कंप्लीट करना है इसे, 2023 तक, ठीक है। इंडियन रेलवे का टारगेट है इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ऑल ब्रॉड गॉज रूट्स, ठीक है, कब तक, 2023 तक, दिसंबर 2023 तक।
उसके अलावा 2024 का क्या टारगेट है, इंडियन रेलवेज को सेट करना है एक इंटायर रेलवे नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क जो कि 100% इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगा 2024 तक, इसका टारगेट 2024 तक, ठीक है, मतलब कि 100% इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्स के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा, जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, रोड एक्सीडेंट में जो डेथ्स हो जाते हैं, जो रोड एक्सीडेंट में जिनका निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है एक्सीडेंट के बाद से, एक्सीडेंट की वजह से, तो उसे 50% तक रिड्यूस करना है। ये देखिए रिड्यूस करना है, कम करना है 50% तक, कब तक, 2024 में टारगेट है, ठीक है। उसके अलावा दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से, PMBJKS, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से कितना कर देना है इनको, इंक्रीज 10,000 इंक्रीज करना है, ठीक है, बढ़ा देना है, कब तक, मार्च 2024 तक, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखिए 2025 के लिए क्या टारगेट है, गवर्नमेंट हैज ब्राउट फॉरवर्ड द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल बाय 2 years टू अप्रैल 2023 फ्रॉम 2025। देखिए ये जो हो चुका है ये बढ़ा दिया गया है, पहले 2023 था, अभी पहले अप्रैल 2023 था, अभी हो गया है 2025 के लिए टारगेट। क्या करना है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पेट्रोल के साथ टारगेट है, ठीक है, उसे बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट का टारगेट है 17 मिलियन टन ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड बोलने का मतलब सरसों का प्रोडक्शन करने का 2025 से 26 के बीच में, ओके। अब उसके बाद कितना, 17 मिलियन का टन का, ओके, मस्टर्ड का, मस्टर्ड बोलने का मतलब सरसों। गवर्नमेंट का टारगेट है अचीव करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस फ्री इंडिया, मतलब कि टीबी को खत्म करने के लिए, जो एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट का टारगेट है वो कब तक का है, 2025 का, ठीक है। इंडिया हैज सेट एन एम्बिशियस गोल टू अचीव एंड ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए, टीबी को खत्म करने के लिए, बाय रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ न्यू टीबी, न्यू टीबी बोलने का मतलब जो न्यू टीबी का केसेस देखने को मिलता है, 80%, मतलब कि 80% रिड्यूस कर दिया जाएगा, ओके, कब तक, 2025 तक। अब उसके बाद इंडिया कंप्राइजेस ओनली 12% ऑफ डिजिटली स्किल्ड एम्प्लॉइज एंड द डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स ऑफ इंडिया हैज टू इंक्रीज टू नाइन फोल्ड बोलने का मतलब 9 गुना बढ़ाया जाएगा, कब तक, 2025 तक। इंडिया अभी कंप्राइज करता है 12% डिजिटली स्किल्ड एम्प्लॉइज का, ठीक है, और जो डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स जो है इंडिया का, उसे 9 गुना बढ़ाना है, कब तक बढ़ाना है, 2025 तक, ठीक है। उसके बाद 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाई 2025, ये ब्लेंडिंग होगा डीजल का बायोडीजल में 2025 तक, ओके। एंड जो टैलकर कोल होते हैं इनका गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट जो है, उसे इंडिया को पूरा कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट में तब्दील करना है, कब तक 2025 तक, ओके। गवर्नमेंट का एम है कि इंक्रीज किया जाएगा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को 2.5% ऑफ GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2025 तक, ठीक है। गवर्नमेंट का प्लान है कि डबल मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू 108 मिलियन बाई, कब तक, 2025 तक, ठीक है। मिल्क का प्रोसेसिंग जो है उसे बढ़ाया जाएगा 108 मिलियन टन, ओके। 2027 के लिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि इंडियन का जो रेलवे है वो लॉन्च करने वाला है पहला सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन जो बनाया जाएगा, कब तक, 2023 तक, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए 2023 तक पहला सेट जो है प्राइवेट ट्रेन का वो मतलब गवर्नमेंट मतलब तैयार कर देगा, ठीक है, लॉन्च कर देगा। बाकी जो ऑल 151 बचेगा, जो टोटल 151 बचेगा उसके बाद वो 2027 के लिए मतलब लॉन्च किया जाएगा, 2027 में लॉन्च किया जाएगा। 2030 के लिए जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है इंडिया एम्स टू अचीव जीरो रोड फैसिलिटीज बाई 2030, जो रोड फैसिलिटीज वगैरह होते हैं उसे मतलब कि जीरो कर देना है, कब तक, 2030 तक। इंडिया का टारगेट है, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया टू हैव 60% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक। इंडिया का ऐसा टारगेट है कि 60% रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव कर लेना है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है उनका, उसके द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग किया गया था जिसमें अप्रूवल दिया गया है डिक्लेरेशन को कि एड्स को खत्म कर देना है इंडिया में, कब तक, 2030 तक, ठीक है। अब उसके बाद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का टारगेट क्या है कि एंड टीबी ग्लोबली बाय 2030, 2025 में टीबी को इंडिया से खत्म करना है, ठीक है। इंडिया से टीबी को खत्म करने का जो टारगेट है वो है 2025, इंडिया से टीबी को खत्म करने का जो टारगेट है वो है 2025, और ग्लोबली जो टारगेट है टीबी को खत्म करने का मतलब विश्व भर में ये है 2030, ओके। 2032 का जो टारगेट है इसमें ऐसा है कि NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का टारगेट है इंस्टॉल करने का 60 गीगावाट और 60,000 मेगावाट, ओके, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विंड एंड सोलर का, ठीक है, 2032 तक, कितना, 60 गीगावाट और 60,000 मेगावाट, ओके। 2050 का जो टारगेट है वो है रिन्यू पावर का, अ क्लीन एनर्जी फर्म ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2050, ओके।
वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आप लोग यहां तक भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे ही आप लोग देख लीजिए रिन्यू पावर का क्या है, क्लीन एनर्जी फर्म बनाना है, इंडिया का ऐसा प्लेस दिया गया है कि अचीव करना है जिसमें नेट जीरो इमिशन 2050 तक। ओके आगे देखते हैं, तो ये हमारा एक छोटा सेशन था, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया, प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप लोग इसे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एग्जाम से पहले इसे डेटा को याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को मैंने बोला कि अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं देखा है, तो प्लीज आप लोग जो मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो 3 घंटे का जो मैंने सेशन करवाया था, प्लीज आप लोग उसे देख लीजिए। उसमें अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक का मैंने सारा का सारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक बिजनेस का जितना भी न्यूज है वो मैंने करवा दिया है, आप लोग प्लीज उसे देख लीजिए। उसके अलावा आप लोग एक और सेशन देख लीजिए, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग का जो करंट स्टैटिक का जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, आप लोग प्लीज उसे देख लीजिए। आप लोगों का 20+ का काम बिल्कुल हो जाएगा उससे, अगर आप लोगों के पास टाइम है एक्स्ट्रा तो आप लोग उसके अलावा एक और काम करें। मैंने जो अगस्त का जो मैंने करवाया है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो सितंबर का करवाया है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग उसे कर लीजिए। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मतलब कि जितना भी करंट अफेयर्स बन सकता था एक मंथ का, मैंने सबको अच्छे से करवा रखा है। तो उसका प्लेलिस्ट आप लोगों को इस चैनल पे आप लोगों को उसका प्लेलिस्ट मिलेगा, एक जनरल अवेयरनेस के नाम से, और जो आरआरबी पीओ एंड एसबीआई क्लर्क स्पेशल के नाम से आप लोगों को एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आरआरबी के लिए मैंने जितना भी अभी 6 से 7 दिनों में जो करवाया है सेशन वो आप लोगों को वहां मिल जाएगा, ठीक है। और जनवरी से जो जुलाई का है वो आप लोगों को मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस का प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आप लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इवन आपको मेरा इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है मेरे द्वारा अगर आप लोगों को पसंद आता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप लोगों को किसी और टॉपिक पे, जनरल अवेयरनेस का किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, सेशन चाहिए, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को वो टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आप लोग जाइए अच्छे से एग्जाम वगैरह दीजिए, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन वगैरह नहीं लेना है। आप लोगों का जो भी तैयारी अभी तक हो चुका है वो अच्छा है। आप लोग अभी बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह जो भी अगर पढ़ना चाहते हैं जो मेरे सेशन को देखने के बाद, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो प्लीज आप लोग उसे देख लें। उसके बाद आप लोग बिल्कुल रिलैक्स कीजिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। उसके अलावा अगर आप लोग एग्जाम देके आते हैं तो एग्जाम के बाद अगर आप लोगों का जितना भी अटेम्प्ट होता है, जितना भी आप लोगों का एग्जाम के बाद अटेम्प्ट होता है, तो अगर आप लोग दूसरा का अटेम्प्ट सुनते हैं कि उसने 120 कर लिया, 150 कर लिया, 160 कर लिया, 100+ कर लिया, जितना भी कर लिया, अगर आप मान लीजिए आपका कि 100 के अंदर रह जाता है, बिलो 100 रह जाता है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि हाँ उसने जितना किया हो वो एक्यूरेसी के साथ उसने किया हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने कम किया हो बट आपका एक्यूरेसी अच्छा हो, तो आपका मतलब चांस है कि निकल सकता है एग्जाम। तो प्लीज आप लोग फालतू की बातों से दूर रहिएगा। एग्जाम वगैरह दे के आने के बाद ऑलरेडी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने जब एग्जाम दे दिया है तो किसी और का डेटा वगैरह, किसी और का जितना भी उसका अटेम्प्ट वगैरह है उसको सुन के आप लोग क्या कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का फालतू बातों से अपने आप को दूर रखिए, बस पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहें। एसबीआई क्लर्क मेंस अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक 6 डेज का या 7 डेज का, मतलब एक सप्ताह का मान लीजिए, कल से 25 तारीख से आप लोग पहले एग्जाम दे लीजिए। अगर आप लोगों का एसबीआई क्लर्क मेंस का भी एग्जाम है या जो लोगों का और भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी अगर एग्जाम है, तो एक 7 दिन का मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मतलब करवा दूंगा, जिसमें सारा का सारा हम लोग टोटल जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो भी और भी कुछ न्यूज वगैरह है मैं उसे आप लोगों को करवाऊंगा, और मैं एक्चुअली करवा ही दूंगा। जो बैंकिंग एंड स्टैटिक का, जो बैंकिंग स्टैटिक एंड फाइनेंशियल इकोनॉमी का जो पार्ट होता है स्टैटिक पार्ट, मैं उसे भी पूरा का पूरा आप लोगों को करवा दूंगा। मैं उसका 500 क्वेश्चंस, मतलब 200+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेगा, अप टू वो 500 हो सकता है, मैं उसे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में आप लोगों का तैयारी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।